जैसे देश बेचने वालों के लिए हरगिज नहीं। सोकाली, नो डील। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि क्या सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान, जो कि दुनिया भर से काफी धुआंधार कमाई कर रही है, ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में ट्रिपल आर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में एक प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म थी जिनको की सभी भाषाओं में रिलीज किया गया था। तो आइए शुरू करते हैं। अगर बात करें सबसे पहले फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में, तो इस फिल्म का बजट था लगभग 100 करोड़ और इस फिल्म ने सिर्फ इंडिया से लगभग 1030 करोड़ की कमाई की थी और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से इस फिल्म का कलेक्शन लाइफ टाइम में लगभग 1230 करोड़ के आसपास हो गया था। और अगर बात करें सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 200 करोड़ से भी ज्यादा का है और ये फिल्म अभी तक शुरुआती 10 दिनों में सिर्फ इंडिया से लगभग 400 करोड़ तक की कमाई कर चुकी है और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से इस फिल्म का कलेक्शन लगभग 800 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जिसको देख के अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया में तो ये फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगी, लेकिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि ये फिल्म ओवरसीज से काफी अच्छी कमाई कर रही है, जहां सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने ओवरसीज से लगभग 200 करोड़ की कमाई की थी, वहीं सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान अपने शुरुआती 10 ही दिनों में ओवरसीज से लगभग 400 करोड़ तक की कमाई कर चुकी है। तो आप सभी को इन दोनों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप सभी की राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मूवी न्यूज को।